में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। कल समय सार परमागम की 206वीं गाथा चलाई थी, जिसमें आचार्य देव ने हमें आदेश दिया था, आज्ञा दी थी कि तूने जिस भगवान आत्मा को प्रज्ञा छैनी से पर से भिन्न करके प्राप्त किया है, अब तू उसी भगवान आत्मा में ज्ञान पद में रत हो जा। एदम्मी रदो नित्यम, उसमें ही तू नित्य रत रह। संतुष्टो हो दि नित्यम एदम्मी, और उसमें ही तू संतुष्ट रह। अभी और करना है, और करना है, ये तो हो गया, अभी ये बाकी है, ऐसा नहीं, बस हो गया। ए देन होति तत्तो, और तू उसी में तृप्त हो जा। माने जिस ज्ञान पद को तूने जाना है, 205वीं गाथा में ये कहा था कि तू उसको ग्रहण कर। जिस ज्ञान पद को तूने ग्रहण किया है, ग्रहण किया है माने जाना है, क्योंकि किसी को ग्रहण और त्याग करने की शक्ति से ये भगवान आत्मा शून्य है। त्यागोपादान शून्यत्व तो शक्ति है ना, तो किसी को ग्रहण और त्याग करने की तो बात है ही नहीं। और अपना जो भगवान आत्मा है वो तो मैं ही हूँ, उसे क्या ग्रहण करना। सिर्फ आज तक जाना नहीं है, इसलिए जानना है कि ये मैं हूँ। और आज तक माना नहीं है, इसलिए मानना है कि ये मैं हूँ। और इसी का नाम जैन दर्शन में ग्रहण करना है। अब वो कहता है जान लिया ना, अब क्या करें। कहते अब भी तू ये पूछता है कि अब ब्याह का क्या करें, तो इससे मालूम पड़ता है कि तूने जाना नहीं है। पंडित जी वो तो ठीक है, सम्मत दर्शन प्राप्त करें, फिर सम्मत दर्शन प्राप्त कर लिया, अब क्या करें। अब तुझे मालूम नहीं कि अब क्या करें कि नहीं, तो तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन का भ्रम हुआ है। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो उसे कहते हैं जिसे चौथे गुणस्थान से लेके मोक्ष तक का पूरा मार्ग पूरी तरह ख्याल में होता है, और तुझे तो कुछ ख्याल में नहीं है। तू तो पूछता अब क्या करें कि तूने भगवान आत्मा को जाना होता तो अब क्या करें का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। बस जाना है ना, कि जानता रहे और क्या करना, कि जानता रहूं कि हाँ, बस लीन हो जाए इसमें, कि लीन हो जाऊं। अब लीन हो गया, अब और क्या करूं, अभी भी तेरा प्रश्न खड़ा है क्यों। कहते हैं तू इसमें ही संतुष्ट हो जा, इसके अलावा इस जगत में करने लायक और कोई कार्य नहीं है। जिसने भगवान आत्मा को जाना, उसके चित्त में ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता, वो उसमें ही संतुष्ट होता है कि संतुष्ट तो हो गया लेकिन मजा नहीं आया क्यों। तो कहते हैं तुझे इसमें ही तृप्त हो जा। कोई ने एक स्वाद चखा, एक कौर खाया, बहुत अच्छा लगा, तो अब क्या करके खाता रहे, कब तक, कि जब तक संतोष ना हो जाए, जब तक तुम तृप्त ना हो जाए। क्यों, कि तृप्त हो जाऊं, संतुष्ट हो जाऊं, फिर कि फिर ये फिर सवाल ही खड़ा नहीं होता। ए देन होदि तित्तो, हो हदि तुहे उत्तमम सौख्यम, उससे तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। ये गाथा में कहा था, अब जिस गाथा में ये बात कही कि तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी,
उस ज्ञान पद में तृप्त होने से। तो वो ज्ञान पद क्या है ये कलश में बता रहे कि अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा चिन्मात्र चिंता मणि रेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानी किमन्यास परिग्रहेण। इसका हिंदी पद्यानुवाद है, अचिंत्य शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन सिद्धार्थ यह आत्मा ही है कोई नान। सभी प्रयोजन सिद्ध हैं फिर क्यों पर की आस, ज्ञानी जाने यह रहस्य करें न पर की आस। तीन विशेषण दिए भगवान आत्मा के, एक अचिंत्य शक्ति धारक, दूसरा है चिन्मात्र चिंतामणि, और तीसरा है सर्वार्थ सिद्धात्म तया। अचिंत्य शक्ति जिसकी शक्ति ऐसी है कि हमारे चिंतमन में नहीं आ सकती। अपन कहते हैं लोक में कि आदमी जितना तेज दौड़ चलता है ना, हवा उससे और तेज चलती है, और मन की गति उससे भी तेज चलती है। अपने यहाँ धर्म परीक्षा किताब आती है ना, तो उसमें एक पवन वेग और एक मनोवेग नाम के दो मित्र हैं, काल्पनिक नाम है। पवन वेग माने हवा के बराबर तेजी से जो चल सके, जैसे आंधी आता है तूफान आता है, और मनोवेग मन का वेग जितना तेजी से दौड़ता है उतने तेज दौड़ सके। अब एक सेकंड में आप जाएं तो अमेरिका की यात्रा करके आ सकते हैं बिना टिकट के, क्या मन चला जाता है ना। तो ये मन के चिंतमन करने की कितनी शक्ति है, अब आप इसे अंदाज लगाओ। आप चाहें तो सर्वा सिद्धि का चिंतमन करें, आप चाहें तो सातवें नरक का चिंतमन करें, अमेरिका का करें, क्यों एक सेकंड में सब जगह जाता है ना। लेकिन कहते ये भगवान आत्मा ऐसा है कि मन के चिंतमन से भी पकड़ में नहीं आता, इसकी महिमा अचिंत है। क्या माने, जो ना तो वाणी का विषय है, ना जो मन का विषय है, ना जो लेखनी से पकड़ में आए, ना वाणी से पकड़ में आए, और जो ना मन से पकड़ में आए, ऐसा ये भगवान आत्मा चैतन्य अचिंत्य शक्ति का धारक है। और चिन्मात्र चिंतामणि रेश यस्मात्, ये चैतन्य मात्र है, यही चिंतामणि। चिंतामणि क्या होता है कि जो चिंतमन करो वो पदार्थ तेरे सामने हाजिर हो जाए। अब बोलो, अभी तो मन की बात बताई ना, तुम मन में इतनी बात आए कि मेरे दो हाथ हैं, चार हाथ होते तो कितने अच्छा होता, इतनी आई कि चार हाथ खेल नहीं ना। मैं इस समय अमेरिका में होता तो बे सोचा और अमेरिका में, इसका नाम क्या है, चिंतामणि। चैतन्य करने से है ना, धर्म के बारे में लिखा है ना अपने 12 भावनाओं में, जाचे सुर तरु देत सुख पर चिंतत चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। क्या अर्थ है इसका, कल्प वृक्ष होते थे ना पहले भोग भूमि में,
तो उसमें जो मांगो वो मिलेगा। क्या कि जो मांगो वो मिलेगा ना, कि हाँ मजा आ जाता होगा उस वक्त तो, क्यों भाई साहब जो मांगा और वो मिल गया, कहते काहे का मजा आता, भिखारी बनाता है। अरे भाई मांगो, मांगना सिखाता है। ये मांगना कोई अच्छा काम है? इसके बारे में तो हमारे यहां बहुत बहुत अजाची के जिन धर्म है धर्मी मांगे नाही, वो धर्मी बन मांगन लगे ते क्या ठगिया जग माही। ये मांगना कोई अच्छा काम है? मांगने से मिल जाए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसने आते ही पहले हमें भिखारी बनाया, क्यों जहां जाए हर आदमी मांगना सिखाता है। खाना खाने बैठे, दाल में नमक नहीं था तो खा लिया, बाद में जब पत्नी ने दाल खाई तो भाई इसमें तो नमक नहीं था, तुमने खा ली क्या? हाँ। कि तुम नमक मांग नहीं सकते थे, ये भी मांगना सिखा दिए। क्या कि यही आता होता तो बिना नमक की क्यों खाते? क्यों जहां जाओ वो मांगना सिखाता है। ये कल्प वृक्ष भी मांगना सिखाते हैं। हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए जो भिखारी बनाकर हमको बात करें। और चिंतत चिंता रैन, चिंतामणि रत्न, रैन माने रत्न, जो सोचो सो मिलता है। बोलो अब मांगने की जरूरत नहीं है, मन में आया नमक और सामने नमक आ जाए, अब तो बढ़िया है ना राजकुमार। काय का बढ़िया है, सोचना पड़ा ना, बड़ा आलसी है। अरे भाई सोचना पड़ा, ये मन जो है वो परद्रव्य है, पुद्गल का बना है, और हमें उसका सहयोग लेना पड़ा ना, तो ये हमारा दुर्भाग्य है क्या सौभाग्य? ना हमें मांगना है जवान से, ना हमें मन से सोचना है। बिन मांगे बिन चिंतए धर्म सकल सुख देन। धर्म उसे नहीं कहते हैं, सम्मत दशा की तेरे को प्राप्ति हुई तो वो ये नहीं कहता है कि अतीन्द्रिय आनंद तू मांगेगा तब मैं तुझे दूंगा। सम्मत दशा ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हुई तो वो ये नहीं कहते कि तब तुम सोचोगे तब मैं तुम्हें सुख दूंगा। क्यों? अनंत भगवान और सिद्ध भगवान तो न मांगते हैं न सोचते हैं, क्यों? और अनंत सुखी हैं क्या? नहीं है। हमको तो ये लगता है भाई मांगने से मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या होता है? क्यों? तो वो यहां ये कह रहे हैं कि अचिंत चिंतामणि चैतन्य, ये चिंतामणि चैतन्य ऐसा है कि चिंतमन करने से नहीं, क्योंकि अचिंत शक्ति वाला है। और सिद्धार्थ यह आत्मा, इस सिद्धार्थ क्या है? संस्कृत में पढ़ा है सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते, सर्व अर्थ जिसके सिद्ध हो गए हैं उसे बोलते हैं सिद्धार्थ। महावीर भगवान के पिताजी का नाम था ना यार, क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्ध हो गए हैं अर्थ माने प्रयोजन जिसके, और इसमें सर्व और लगा हुआ है कि भगवान आत्मा तो ऐसा ही है कि जिसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए, इसे कुछ बाकी ही नहीं है कि मुझे ये बाकी है, ऐसा है ही नहीं। तीन विशेषण हुए, कौन कौन? अचिंत चिंता, अचिंत शक्ति का धारक, चैतन्य चिंता मणि और सिद्धार्थ। यह आत्मा ही है कोई न अन्य,
ये तेरा आत्मा ही ऐसा है, अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है तेरे लिए। जब सभी प्रयोजन सिद्ध हैं, फिर क्यों पर की आस। जब तेरे सारे प्रयोजन सिद्ध रहे हैं तो पर की आशा की अब क्या जरूरत है। ज्ञानी जाने यह रहस्य, करे न पर की आस। ज्ञानी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे पर की आशा रंच मात्र भी नहीं करते हैं। देखो, अपन भगवान से कहते हैं ना, कोमर सार के गुणस्थानाधिकार की अंतिम गाथा है, वहाँ सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया है। वो सिद्धांत की बात कर रहा था ना, कहाँ गया अनिल? हाथ उठा भी, कहाँ है? सिद्धांत, सिद्धांत जानते कैसे बोलते हैं? सिद्ध में जिसका अंत हो। क्या हम कहानी कब शुरू होती है, कहाँ अंत होती है? एक सच्ची घटना सुनाता हूँ मैं, बहुत पुरानी बात है। हम बाबू भाई सोलापुर गए थे, जब बाबू भाई जिंदा थे तब की बात है। तो सोलापुर गए तो सुमत बहन का आश्रम था वहाँ, उस आश्रम में गए जहाँ लड़कियाँ पढ़ती थी। तो वहाँ बैठे तो नशाई लड़कियों को बुलाया और बुला करके हमसे कहा कि आप थोड़ा इनसे कुछ पूछो, इनकी परीक्षा लो। सच्ची घटना है। मैंने कहा नहीं, क्या पूछना, आप लोग पढ़ाते हैं तो सब बढ़िया बढ़िया पढ़ाते होंगे, इसमें क्या पूछना। नहीं नहीं नहीं, पूछो साहब, पूछो पूछो। तो मैंने कहा बेटा क्या पढ़ते हो? हम छेड़ला। अच्छा, छेड़ला पढ़ते हो? हाँ। मैं छेड़ला में किसकी कहानी है? तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अपने अध्यापकों की तरफ देखने लगे। कोई बोला नहीं था। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? इसमें इतने में एक लड़की खड़ी हुई हिम्मत वाली, और वो बोली आपने छेड़ला पढ़ा है? मैंने कहा गजब हो गया, हम तो परीक्षा लेने बैठे थे, यहाँ तो देने की नौबत आ गई। मैंने कहा पढ़ा तो था थोड़ा थोड़ा। बोले फिर आप छेड़ला में कोई कहानी किस्सा है जो आप बोल रहे हैं? छेड़ला में किसकी कहानी है? अरे छेड़ला तो अध्यात्म का ग्रंथ है, उसमें कोई कहानी किस्से थोड़ी होते हैं, कोई पुराण थोड़ी है पद्म पुराण, इसमें राम की कहानी होगी। मैंने कहा ठीक कहती हो तुम, मैंने शुरू के दो तीन छंद पढ़े थे, उनमें ऐसा लिखा था, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। क्या अर्थ है इसका? कि इस जीव के संसार में घूमने की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, मैं लंबी चौड़ी कहानी तो तुम्हें नहीं सुना सकता, पे कछु कहूं फिर भी थोड़ी सी सुनाता हूं। दौलत राम जी कहते हैं कहानी तो बहुत लंबी है, मैं पूरी नहीं सुना सकता, मैं थोड़ी बहुत तुम्हें सुनाता हूं। तब मैंने कहा जब कवि ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं कहानी सुनाता हूं, तो मैंने सोचा कि आगे कहानी सुनाई होगी, ये कवि धोखा दे जाएगा, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। क्यों तुम कह रहे कहानी नहीं है इसमें? बोलो, मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि छेड़ला में कोई कहानी है कि नहीं है? तास ब्रह्मण की है बहु कथा, तास माने एक तास के पत्ते नहीं, इक्का दुक्की। तास माने उस जीव की जिसकी चर्चा ऊपर से चली आ रही है। किसकी कहानी है? राम की क्या रावण की? राम की भी और रावण की भी, हमारी भी और तुम्हारी भी। जो जीव नाम के प्राणी हैं उन सभी की ये कहानी है। क्यों है ना? तास माने सभी जीव, और उनकी ये कहानी कहां से शुरू होती है भाई साहब?
काल अनंत निगोदे मझार बीतो एकेंद्रिय तन धार। वहां से शुरू होती है, फिर निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वन से पति थयो। फिर कहानी आगे बढ़ी ना, निगोद से निकला तो पृथ्वी अग्नि जल वायु और वनस्पति। क्यों वनस्पति? प्रत्येक वनस्पति अजांतर समझ में, क्योंकि साधारण वनस्पति तो निगोद है और वहां से तो निकले हैं भाई साहब, लौट के तुम वहीं पहुंचा दोगे अभी यार इतने जल्दी। देखो कितनी कितनी बारीक बात है उसमें। क्या निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक दुर्लभ है लही ज्यो चिंता मणि त्यों पर आए। आगे ना दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री फिर पांच कब हूं पंचेंद्रिय पशु। क्यों पशु? क्यों मनुष्य क्यों नहीं? मन बिन अज्ञान, क्योंकि मनुष्य असैनी नहीं होते। एक इंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक त्रियंच त्रियंच ही होते हैं। फिर त्रियंचों की बात करके फिर निकलेंगे तो नरक में जाएंगे, मनुष्य होंगे, देव होंगे। क्यों? पहले ढाल में है ना चारों गतियों का वर्णन। तो कहानी आगे बढ़ रही है कि नहीं? खत्म कब होगी बताए ना भी, सिद्धांत का क्या अर्थ है? रही हैं अनंता अनंत काल तथा यथा शिव परणये। अब मोक्ष में पहुंच गए, कहानी खत्म। अब अनंत काल तक वहीं पर रहेंगे और अनंत सुख भोगते रहेंगे, सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। ये हो गया कौन सिद्धार्थ सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते। समझे ना कहां से निकली बात? छड़ला में कहानी है कि नहीं है? समझे ना कहां से शुरू होती है? निगोद से। कहां खत्म होती है? मोक्ष माने सिद्ध। इसलिए सिद्ध में जिसका अंत हो उसका नाम है सिद्धांत। अशोक भाई क्या नाम? अजित भाई। सिद्धांत काय का नाम है? सिद्ध में अंत हो उसका नाम सिद्धांत। हर कहानी जैन दर्शन में सिद्धांत है। सिनेमा देखते हो ना, उसमें भी कहानी तो होती है कि नहीं? क्या होती है बता सकते हो? सारी जितनी फिल्में आज तक बनी उन सब फिल्मों की कहानी मैं एक मिनट में आपको सुना सकता हूं। सुनना है फिल्मों की? जब निगोद से मोक्ष तक की सुना दी तो फिल्मों की क्या दिक्कत है? हर कहानी में एक लड़का या दो लड़कियां होंगी क्या? और या दो लड़के और एक लड़की, बस यहां से कहानी शुरू होगी। और धमाधम मार पीट राग देश क्या? और उसमें से दो लड़कों में से एक लड़का मर जाएगा या लड़की मर जाएगी और दोनों की शादी हो जाएगी और सुखांत होगी, कहानी खत्म। बस दोनों हाथ में लाके चल देंगे। एक ये सारे सिनेमाओं की एक कहानी है। बता दो, देख लो, कोई भी सिनेमा याद करो, इससे अलगा हो तो मुझे बताना। बम्बैया फिल्मों की यही हालत है। अब उसे क्या कहते हैं? वे दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? कॉमेडी और ट्रेजेडी। सुखांत और दुखांत, नाम सुने क्या नहीं सुने? ए भैया हिंदुस्तान में तो नियम है कि सुखांत ही होती है। भरत मुनि का 2000 वर्ष पहले एक भरत मुनि हुए, जैनियों में नहीं काव्य साहित्य में। तो उन्होंने ये नियम बनाया, कोई भी कहानी कहना उसे सुखांत ही कर रखना। हम कॉमेडी को हास्यरस कहें, हास्यरस नहीं। जिसका अंत सुख में हो
वो सुखांत, वो कॉमेडी, समझ गए ना आप। हास्य रस की बात नहीं, ये फूहड़ कविताओं का नाम कॉमेडी नहीं है। क्या नाम है? जिसका अंत सुख में हो, सुखांत हो, वो कॉमेडी, और जिसका अंत दुख में हो वो है ट्रेजेडी। बस क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, मर गए, नहीं मिल पाए, और मरते मरते मर गए, एक मर गया, दूसरा रोता रह गया, तो ट्रेजेडी हो गई, बस समझ गया। ये ट्रेजेडी ये विदेश की देन है। शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो सब वहाँ सबसे पहले ट्रेजेडी आई, उसमें हिंदुस्तान में नहीं थी, उनकी नकल पर हिंदुस्तान में भी ट्रेजेडी आई। अब अपन तो सुखांत की बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन लड़का, एक लड़का मर गया और दूसरी वो लड़की की और लड़का की शादी हो गई, तो सुखांत हुई ना आज के हिसाब से। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सुखांत हुई कि भोगांत? क्यों? अरे कहानी तो अब शुरू होनी है बेटा, पर तुमने अंत कर दिया। क्यों? ये तो भोगांत हुई। यदि सचमुच सुखांत चाहिए तो संसार में तो सुख है ही नहीं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिवे साधन करते, संयम सो अनुरागे। विचार कर लो भाई, नहीं संसार में तो सुख है ही नहीं, तो मोक्ष में है ना सुख। तो सुखांत कब होगी? जब तक मोक्ष में नहीं जाएगा जीव, तब तक वो सुखांत नहीं हो सकती, दुखांत ही होगी। और पूरा सुख कहाँ है? सिद्धों में। तो सिद्धांत कहो चाहे सुखांत कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। सुनो, सिद्धांत कहो और चाहे सुखांत कहो, तो हमारी हर कहानी मोक्ष में जाके खत्म होती है, चाहे राम की हो और चाहे किसी की भी हो, आदिनाथ की हो चाहे महावीर की हो, तुम चाहे पारसनाथ की हो, हमारे आचार्य कहानी खत्म ही नहीं करते। वहां से मर गए, स्वर्ग चले गए, फिर आगे न रखोगे, फिर नहीं चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ गए, वहां गए, वहां गए, फिर खाली खत्म ही नहीं होता। जब तक वे मोक्ष में नहीं पहुंचेंगे तब तक कहानी को हमारे आचार्य छोड़ते ही नहीं। इसलिए हमारा सारा प्रथमान योग सिद्धांत है, समझ में आ गया ना? सारा प्रथमान योग क्या है? सिद्धांत है। जो लोग नरक में गए ना, तो उनकी कहानी को भी वहां नहीं छोड़ा, आगे बढ़ा दिया, वहां से आएंगे, निकलेंगे, फिर तीर्थंकर होंगे, फिर मोक्ष, रावण जैसे को भी मोक्ष में पहुंचाए बिना छोड़ा ही नहीं। तब तक अंत ही नहीं करेंगे, अंत हुआ ही नहीं तो अंत करें कैसे, समझे ना? गोमर सार पढ़ा है? तुम्हारे यहां पढ़ाया जाता बेटा? गुणस्थान अधिकार में अंतिम गाथा किसकी है? गति मांगना में अंतिम गाथा किसकी है? सिद्धों की। बीसों अधिकारों में अंतिम गाथा सिद्ध भगवान की है, इसलिए वो गोमर सार भी सिद्धांत है। चार गति क्यों उनका बताएंगे, फिर पंचम गति मोक्ष, तो सिद्धांत हो गया ना, समझ गया? ये बीसों अधिकारों में अंतिम की गाथा सिद्ध की होगी, और मैं तुम्हें सिर्फ गुणस्थान अधिकार की अंतिम गाथा सुना रहा हूं। अठ भी एकम में भीला सीधी भूदा निरंजना निच्चा, अठ गुणा के दिकिच्चा लो यज्ञ बादिनो सिद्धा। कहे ना कि भाई सिद्ध भगवान लोकाग्रवासी हैं। कहते अब कैसे उन्होंने, क्या एक शब्द क्या है? किच किच्चा। इसके लिए मैंने इतनी कहानी तुम्हें सुनाई। ये किच किच्चा क्या होता है? हम उससे बात नहीं करेंगे, वो बहुत किच किच करते हैं। अपने या तो सिद्ध भगवान किच किच करते हैं,
और ये बनिया किच किच करते हैं क्यों? जितने हमारे महान शब्द थे इन सब शब्दों की दुर्दशा की, हमारे नंगा लुच्चा, नंगा माने नग्न दिगंबर, लुच्चा माने केस लोंच करने वाली, पाखंडी माने पापों का खंडन करने वाली, है ना, समझे ना, इनके शब्दों में कितने बुरे अर्थ होने लग गए। निकम्मा, निकम्मा माने आठ ही कर्मों से रहित, सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा है गोमसार में, देख लो। और आज हम निकम्मे का क्या अर्थ करते हैं बोलो? निकम्मा अठ गुणा किदकिच्चा, किदकिच्चा माने कृत्य कृत्य, सुनो, किदकिच्चा माने कृत्य कृत्य, कृत्य कृत्य माने जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया, कृत माने करने योग्य और कृत माने कर लिया, समझे ना, कृत कृत्य, कृत माने करने योग्य और कृत माने कर लिया। तो भगवान तो कैसे हैं, कृत के चहे ना, और हम उन्हें कहते भगवान अभी एक काम बाकी है, वे तो कहते सब काम हो गए, ये सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं, सारे प्रयोजन उनके सिद्ध हो गए, कोई काम बाकी नहीं रहा, क्यों, अब उन्हें कुछ करना नहीं है। हम कहते भगवान एक काम बाकी है, क्या, कि मेरा कल्याण करना। अरे तो उनने भी तो कृत कृत नहीं हुए तुम, इसका मतलब तो ये हो गया ना, तेरा कल्याण करना उनका काम है, क्या समझे। मैं तो अपने देवसाज गुरु की पूजन की जयमाला में पहली पंक्ति में लिखा, हे बीत राग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना अब तक पहचाना, पड़ रहे हैं मुझको 84 के चक्कर खाना। सबसे पहली गलती क्या की है, करुणा निधि तुमको समझना, सबसे पहली गलती है कि तुम्हें मैंने करुणा का निधि समझा, दयावान समझा, सबसे पहली गलती है। कान पकड़ता हूं, करुणा निधि तुमको समझ नाथ, और भगवान भरोसे पड़ा रहा, क्या ए? और भरपूर सुखी कर दोगे तुम ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तो ये कृत कृत के स्वरूप को नहीं पहचाना, क्यों, पहली गलती हुई ना। हम बहुत भगवान की भक्ति करते हैं, बहुत प्रेम से, ए पारसनाथ तेरे ही भरोसे, क्या बोलना भैया राजकुमार नैया, छोड़ दी मैंने मझधार। मैंने कहा सचमुच छोड़ दी भगवान पारसनाथ के भरोसे? हाँ साहब बिल्कुल बिल्कुल। तो गारंटी से डूब जाएगी, क्यों, कि पारसनाथ तेरी नैया खेने के लिए आने वाले नहीं हैं, इससे बढ़िया तो उस मल्लाह के भरोसे छोड़ता तो शायद बच जाता, क्या बोला, वे तो मोक्ष में है ना कैलाश जी, वहां से लौट के आएंगे, कितनी साफ बात है। कहो तो लोग नाराज होते हैं, भगवान इतना सा काम नहीं करेंगे, इतना सा नहीं करेंगे। अरे भाई तुमने उनका कृत कृत स्वभाव नहीं पहचाना, सर्वार्थ सिद्धात्म तया, सारे प्रयोजन उनके सिद्ध हो गए हैं, ये बात तुमने नहीं जानी। तीन गुण, अचिंत शक्ति, चिन्मात्र चिंतामणि, और सर्वार्थ सिद्धा, सारे पदार्थ सिद्ध हो गए। अब इसलिए कहते हैं ये भगवान ऐसे तुम ही हो, ये तीन बातें तुम में हैं। अब मैंने ये बात जान ली, सभी प्रयोजन सिद्ध हैं, फिर क्यों पर की आस, क्योंकि हमारे आत्मा में ये तीन चीजें हैं, वे भगवान की हुई सो हुई, लेकिन हमारे आत्मा में ये तीन गुण मौजूद हैं, क्यों, ये कह रहे तुम सोचो मत, तुम बोलो मत, तुम तो सिर्फ भगवान आत्मा को जानो, तो अनंत सुख का दरिया तेरी पर्याय में उमड़ पड़ेगा। बोलो सही बात है ना, क्यों, जिन जिन को अनंत सुख की प्राप्ति हुई उनने भगवान से कुछ मांगा था,
भगवान से मैं प्राप्त हो जाए ये सोचा था कि उनने तो सिर्फ अपने भगवान आत्मा को जाना था और ये माना था कि यही मैं हूं क्यों और उसी में लीन हो गए। यही तो बता रहा ए दम्मी रदो नित्यम, इसमें ही लीन हो जाओ, इसमें ही संतुष्ट हो जाओ। अब संतुष्ट हो गए तो फिर मांगने की बात कहां से रही भैया, बोलो है? इसमें ही तृप्त हो जाओ। अब हम तो खाने में बिल्कुल तृप्त हो गए, अब बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, फिर भी क्या मांग लेते ना। अरे जब भूखे थे तब नहीं मांगा, मांगना सीखा ही नहीं है, और तुम तृप्त हो गए तब भी मांगने की बात करता है। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तेरे को बिना मांगे ही सब कुछ देगा, वो तो सुख स्वरूप है। कितनी बड़ी बात की है देखो, अत्यंत शक्ति स्वयमेव देवः, ये स्वयं स्वयमेव, प्रत्येक आत्मा स्वयं ऐसा है, किसी दूसरे की कृपा से नहीं, कृपा की जरूरत ही नहीं है, इसका स्वभाव ऐसा है। चिन्ह मात्र चिंता मणि रेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण, के ज्ञानी जीव को अन्य परिग्रह की क्या जरूरत है। ये परिग्रह माने अपन क्या समझते हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद है ना, ये सब परिग्रह है, ये शरीर ये परिग्रह है। तो शास्त्रों में बाह्य परिग्रहों में इनके नाम भी गिनाए हैं क्यों, लेकिन इसे यहाँ जहाँ ज्ञानी कह रहे हैं छह खंड की विभूति 96,000 पत्नियां जिसके मौजूद हैं उसको कह रहे वो ज्ञानी है और उसको पर पदार्थों की क्या जरूरत है। जरूरत नहीं है तो 96,000 घोड़े पर चढ़े क्यों, भगवान का दिव्य ध्वनि छोड़कर 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए क्यों निकल गए भरत चक्रवर्ती, क्यों जरा विचार करो गंभीरता से। हाँ ये तो चारित्र मोह की बात है, श्रद्धा में रंच मात्र पर पदार्थ की उन्हें बांछा नहीं है। तो कहते हैं ज्ञानी फिर करे न पर किया किम अन्यस्य परिग्रहेण, अन्य के परिग्रह से क्या लाभ है। आगे जो गाथाएं आने वाली है ना उसमें ऐसा लिखा है कि ज्ञानी के तो अपने आत्मा का ही परिग्रह है। क्या गाथा पढ़ के बताओ, देखो आगे गाथा है कि ज्ञानी के तो आत्मा का ही परिग्रह है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आत्मा का परिग्रह, हम तो समझते हैं स्त्री पुत्र आदि का परिग्रह होता है, रुपये पैसे का परिग्रह होता है, कि आत्मा का परिग्रह है मैंने क्या। ये परिग्रह शब्द में पर पदार्थों के ग्रहण की बात नहीं है। अदिति सुनना, शब्द क्या है, परिग्रह है, परग्रह नहीं है। रामे ई की मात्रा लगी बहन, सोचो जो पढ़ी लिखी है, रामे ई की मात्रा है, परिग्रह है कि परग्रह, तो परि माने तो पर नहीं होता, तो पर पदार्थ तुम क्यों लगा रहे, परि है राजकुमार। तो क्या है परि माने क्या होता जानते हो, समानता, चारों ओर से, फोर एंड वाइड। क्या क्या समझ में आया, परि माने समानता, चारों ओर से, फोर एंड वाइड, और ग्रह माने ग्रहण करना, कि जिसने अपनी ज्ञान पर्याय में चारों ओर से आत्मा का ग्रहण किया है। ये चारों ओर कौन कौन से हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्या क्या, कि जिसने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से
अपने भगवान आत्मा में ही अपनापन स्थापित किया है, उसे तो अपने आत्मा का ही परिग्रह है। आप समझ में आए कि नहीं? जैसे साधु लोग कहते हैं ना, भैया हमारी तो पिछली कमंडली हमारा परिग्रह है और क्या है, बोलते ना, और हमारा कुछ नहीं, हमारी तो पिछली कमंडली बस भाई हमारा परिग्रह है। और नियम सार में पद्मपल मलधारी देव ने कई जगह ऐसा लिखा है, क्या मेरे मुझे याद नहीं रहा कितने बजे शुरू किया था, कई जगह ऐसा लिखा है पद्मपल मलधारी देव ने कि जिन्हें अकेले आत्मा का परिग्रह है, लिखा ना, देह मात्र परिग्रह लिखा ना, वो तो बाह्य की अपेक्षा से कि और कुछ नहीं है, अकेला शरीर है, इसको तुम परिग्रह समझ लो, ये छूटा नहीं है, लिखा ना। वे कहते हैं यहाँ पर देवी कहाँ है मेरी, वो तो पर है, पर का परिग्रह है ही नहीं है, ये तो परिग्रह है कि मैंने चारों ओर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने आत्मा को ही गहराई से पकड़ा है, इसलिए मेरे आत्मा का ही परिग्रह है। तो ज्ञानी जाने यह रहस्य, करे न पर की आस, पर के जानने से उसे क्या प्रयोजन रह जाता है। देखो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ इसके अर्थ को। यद्यपि इस कलश में समागत अचिंत शक्ति चिन्मात्र चिंतामणि देव और सर्वार्थ सिद्धात्मा ये विशेषण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के हैं, तथापि जब ज्ञानी आत्मा उक्त त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन स्थापित कर लेता है, तब वह स्वयं ही ऐसा अनुभव करने लगता है कि मैं स्वयं अचिंत शक्ति का धारक देवादि देव हूँ, चिन्मात्र चिंतामणि हूँ और मेरे सभी प्रयोजन सिद्ध ही हैं। ज्ञानी चौथे गुण स्थान में ये फीलिंग करने लगता है। अथवा ऐसी श्रद्धा होने से, ऐसा ज्ञान होने से मेरा अनंत सुखी होना का प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो गया है। इस प्रकार की अनुभूति करने वाले ज्ञानी जीवों को अन्य पर पदार्थों का परिग्रह से क्या प्रयोजन रह जाता है। अब ये पर पदार्थों का भी क्या अर्थ है, ये बहुत गजब की बात है। शुभाशुभ भावों, शुभाशुभ क्रियाओं से क्या प्रयोजन रह जाता है। देखो जयसेनाचार्य ने, मैंने इसमें सब जयसेनाचार्य को भी कोट किया है, उनने लिखा है कि परिग्रह माने क्या, स्त्री पुत्रादि नहीं गिनाए, मोह राग द्वेष बाहर के नहीं गिनाए, मालूम क्या कहा, ये धर्म के नाम पर होने वाली क्रियाएं, धर्म के नाम पर होने वाले स्वभाव और धर्म के नाम पर होने वाले गुण भेद के विकल्प, इन तीन का नाम उन्होंने परिग्रह कहा। देखो स्वामी जी का सुना देता हूं, तो स्वामी जी के में आया है, भगवान आत्मा अत्यंत शक्ति वाला देव है, अत्यंत शक्ति अर्थात जिसके अद्भुत गुण, असीम शक्तियां, अनेक विशेषताएं हमारे सीमित चिंतन के विषय ना बन सकें, जिन्हें हम अपने विकल्पों की सीमा में समेट ही ना पाएं, जिनको ग्रहण कर पाने में हमारा क्षयोपशम ज्ञान बोना साबित हो गया है, ऐसे भगवान आत्मा की शक्तियाँ वस्तुतः अत्यंत हैं, असीमित हैं। गजब बात है भाई, कहते हैं ज्ञानी को अन्य परिग्रह से अर्थात शुभाशुभ क्रियाओं से, पुण्य पाप के परिणामों से और द्रव्य गुण आदि के भेद विचारों से क्या काम है। ये है अन्य परिग्रह माने, परिग्रह माने तुम क्या सोच रहे थे बोलो राजकुमार। ये सबसे पहले जयसेनाचार्य ने किया, फिर पांडे राजमल जी ने किया, फिर बनारसी दास ने किया, फिर गुरुदेव ने किया, फिर मैंने किया, ये सबके प्रमाण मैंने इसमें दिए हैं 5 पेज में, हुए किताब को ले लेना, पढ़ लेना, है ना, पेज समयसार अनुशीलन भाग 3 पेज नंबर 219-20 में देखना, ये सब 5 पेज में है, सारे प्रूफ इसमें दिए हैं। क्या क्या अर्थ किया है परिग्रह का, हम सोच सकते हैं परिग्रह का क्या अर्थ है, बोलो मीठा भाई है? देखो गजब बात है भाई, गुरुदेव लिखते हैं ना, गजब बात है भाई, कहते हैं कि ज्ञानी को अन्य परिग्रह से, अन्य परिग्रह से अर्थात
शुभाशुभ क्रियाओं से, पुण्य पाप के परिणामों से तथा द्रव्य गुण आदि के भेद के विचारों से अब क्या काम है? ये परिग्रह है, अब इसकी जरूरत नहीं है कहते हमें। अब द्रव्य गुण का विचार हम क्यों सोचें? जब उसे अंतर में चैतन्य चिंतामणि भगवान आत्मा प्राप्त हो गया है, जिसे अनंत गुणों का गोडावन, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, चिंतामणि स्वरूप भगवान आत्मा मिल गया हो, उसे अब इन जड़ विकल्पों के संग्रह करने से क्या प्रयोजन है? जिस तरह किसी को लोक में सर्वसिद्धिदायक चिंतामणि रत्न मिल जाता है तो वह फिर धनादि का संग्रह नहीं करता। चिंतामणि रत्न मिल गया तो रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करता। क्यों? जो सोचेगा दौड़ के आ जाएगा, क्या जरूरत है इकट्ठा करने की, है ना? क्योंकि जब जिस वस्तु की जरूरत होगी वह वस्तु चिंतन करने मात्र से उपलब्ध हो जाएगी। उसी प्रकार भगवान आत्मा जब स्वयं दिव्य शक्ति का धारक चैतन्य चिंतामणि देव है, जब ऐसा भान हो गया तब फिर उसे रुपये पैसों की, सुंदरता की, वचन की मधुरता से क्या काम? वह फिर किसी प्रकार के विकल्पों के परिग्रह में नहीं पड़ता, क्योंकि स्वरूप में एकाग्र होते ही उसे निराकुल आनंद की प्राप्ति हो जाती है। स्वरूप में एकाग्र हुआ, आनंद आ गया, अब मुझे क्या जरूरत है इन चीज़ों की? काय की, किस चीज़ की, बता सकते हो? नहीं। शुभाशुभ क्रियाएं, शुभाशुभ भाव और गुण भेद का विचार, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है? आचार्य कहते हैं ये मोक्ष मार्ग में इनकी क्या जरूरत है? जैसे लगा ना, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कांड से सहज ही सुलभ आत्माराम। क्यों? आत्मा की प्राप्ति तो ज्ञान से होने वाली है, और ज्ञान मेरा स्वभाव है, वो मेरी संपत्ति है, मुझे किसी से मांगने की क्या जरूरत है उसे, है ना? जो मेरी चीज है उसे मैं किसी से मांगने जाऊं? इस लोक में ऐसी कहावत है कि अपनी भी चीज दूसरे के हाथ में चली जाए तो चली गया है, समझ लेना। पुराने कहा है कि अंत कंठ की विद्या और अंत को दाम, और समय पड़े पे आवे काम। बैंक में जमा है, क्यों नहीं गए? आज तो बैंक बंद है, आज तो ईद है, आज तो मुहर्रम है, क्यों? और हमारे हस्ताक्षर जरा हाथ में जैसे कपने लगा ना तो हस्ताक्षर बिगड़ गए, वो कहता है मिलते ही नहीं है, बस अब हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं, सारा गया है? क्यों? वो नहीं माने, क्या करोगे आप? कभी भी हो सकता है ना पार्किंसंस, वो कभी भी कह सकता है कि नहीं मिलते हैं, मैंने पैसे देखे नहीं हैं, एक करोड़ों के चेकों पर साइन किए हैं, तो 100 चेक तो पास हो जाते हैं अजित भाई, एक वापिस आ जाता है, कहते अक्सर आपके मिलते नहीं। मैं क्या करूँ बोलो? कहते कुछ नहीं था, एक दफे और कर दूँ, एक दफे करता हूँ तो वो फिर पास कर देता है। तो मैं कहोगे पागलपन क्यों करता है? कहते नहीं साहब, हमको ऐसा थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है, इससे हमें उस अनित्यता का ज्ञान होता है कि बैंक में जमा जितनी संपत्ति का तुम मालिक समझ रहा है, क्यों? बैंक में जमा नहीं करा, बाल बच्चों को दे दे तो बेजमा दें, क्यों उनसे बेटा देना दे 5,000 रुपया काय के लिए चाहिए? अरे इनको जवाब दो, बेटा मेरी संपत्ति है, मैंने दी है, उसमें से मांग रहा हूँ, काय के लिए चाहिए तुझे, क्या लेना देना? मुझे तो आग लगाना है उसमें, इसलिए बैंक में जमा कराई, तो बैंक वाला कहता है अब क्या करें, कहाँ करें, तिजोरी में रख लो, लेकिन हाथ में ताकत ही नहीं होगी तिजोरी खोलने की, तब क्या करेगा? जब तू, तेरे को जरूरत होगी तब तू इसके काबिल नहीं रहेगा कि बैंक से निकाल ले, तिजोरी में से निकाल ले, बेटे की जेब में से निकाल ले, बहू से निकाल ले, किसी के कुछ नहीं रहेगा, वो उतनी संपत्ति तेरे किसी काम की नहीं। कहते हैं ना लोक में, तो भगवान आत्मा कहता है कि तुझे निकालना ही नहीं है ना, ये तो तेरे अंदर से बिना मांगे बिना सोचे निरंतर अनंत सुख की प्राप्ति तेरे जीवन में होने वाली है। ऐसा भगवान आत्मा कल्प वृक्ष चिंतामणि रत्न, क्यों
मैंने भी लिखा है काम धेनु कल्प तरु, क्या है लिखा ना, काम धेनु कल्प तरु, बोलो बोलो, मैं भूल गया, मैंने याद तो कभी किए नहीं, जितना ले जाते हैं, काम धेनु कल्प तरु व चिंतामणि रत्न, ये तीन चीजें जगत में प्रसिद्ध हैं। काम धेनु का जानते हैं क्या है, जो चाहोगे भी मिल जाएगी, कल्प चिंतामणि चिंतन करने से मिल जाए, कल्प तरु मांगने से मिल जाए, लेकिन धर्म वह चिंतामणि है नहीं जिसमें कामना, ना मांगना है, ना सोचना है, ना कहना है, ना कुछ नहीं करना है, ऐसा ये भगवान आत्मा तू स्वयं है, तेरा है नहीं, तू स्वयं है, प्रत्येक का आत्मा ऐसा है, ऐसा इस समय सार में भगवान आत्मा की चर्चा है, सभी को उस आत्मा की प्राप्ति हो और वो अनंत सुखी हो, इसकी बात में, बाकी की बात बनारसी दास की, पांडे राजमल जी की थोड़ी थोड़ी बातें कल पढ़ के बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन।